I have explained about this exercise in my last video. So now the first question is, draw the graph of following equation. आपको जो equations दिए हुए हैं उनका graph बनाना है. तो graphical representation के लिए आप एक box बनाओगे जिसमें हम x और y की values लेंगे. x की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये equation क्या बन जाएगा, 1 plus y equals to 4. तो y equals to हो जाएगा 4 minus 1 और y आएगा 3. जब मैंने x 1 लिया तो y आया 3. सेम ऐसे ही मैं दूसरा कोई सॉल्यूशन लेता हूँ, x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो इक्वेशन हो जाएगा 2 plus y equals to 4 और y हो जाएगा 4 minus 2 तो y की वैल्यू आएगी. मैंने x लिया 2 और y भी आया. अब मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ. ठीक है भाई, थोड़ा इधर ले लेता हूं इसको. अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ. तो देखिए ग्राफ में हमेशा टू एक्सेस होते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश. इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -1 -2. ये पॉइंट होता है हमारा O. तो देखिए x पे लिया 1, x पे लिया 1 और y पे 3, तो 1 और 3 पॉइंट हो गया ये. ठीक है भाई, x पे लेना है 2 और y पे भी लेना है 2. तो देखिए इधर भी 2 और इधर भी 2, ऐसे इधर 1 था और इधर 3 था. ऐसे मैच करके देख लिया करो, अगर नहीं होता है तो ये पॉइंट है 2 2. इस लाइन को हम मैच करा देंगे तो ये हमारी कौन सी लाइन है, x plus y equals to 4. तो इस लाइन पे हम क्या लिख देंगे, x plus y equals to 4. ये होता है हमारा किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किस तरीके से हम किसी इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे वो उसका क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए x माइनस y इक्वल्स टू 2. तो हम x की जगह पे ले लेते हैं क्या, 1. देखिए सेम वही बॉक्स बनाएंगे हम. x की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूं तो इक्वेशन बन जाएगा 1 minus y equals to 2. तो आएगा -y equals to 2 minus 1, -y equals to 1 और y की वैल्यू आएगी -1. जब x लिया 1 तो y आया -1. जब x लेता हूं मैं 2 तो इक्वेशन बनेगा 2 minus y equals to 2. तो देखिए 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू आएगी. तो जब मैंने x 2 लिया तो y आया 0. अब वही अपना ग्राफ, x x डैश y y डैश, ये आपको ग्राफ में करना है, ध्यान रखना ये बात. 1 2 1 2, -1 -2 -1 -2, जितनी हमें जरूरत होगी हम उतना ही बड़ा ग्राफ बनाएंगे. तो देखिए x पे तो 1, x पे तो 1 और y पे -1, y पे -1 ये रहा तो ये पॉइंट हो गया. x पे तो लेना है 2 और y पे 0 तो ये यही आ जाएगा, y पे कहीं बढ़ना ही नहीं. तो ये हमारा होगा 1, -1, ये होगा 2, 0 और ये इक्वेशन कौन सा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ये हमारा सेकंड पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया. के बाद हम थर्ड पार्ट लेते हैं जो कि है y इक्वल्स टू 3x. चलिए दूसरा ही ग्राफ बना लेंगे. y इक्वल्स टू क्या है, 3x. अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो y आएगा 3, अगर x की जगह 2 पुट करें तो y आएगा 2 3 6. देखिए 1 पुट किया तो 3 और 2 पुट किया तो 6.
अब की बार हमें कितना बड़ा ग्राफ लेना है, सिक्स तक। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। माइनस की कोई वैल्यू हम ले नहीं रहे हैं, तो माइनस हमें जरूरी नहीं है ज्यादा। 1 और 3, तो 1 और 3, 2 और 6, ये हो गया 2 और 6, दोनों को मैच करा दीजिए। ये तो था 2, 6, ये था 1, 3, और ये इक्वेशन कौन सा है, y=3x। ठीक है भाई, और लास्ट इक्वेशन है हमारा जो कि है 3=2x+y। ये फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। तो देखिए यहां पे भी हम x की वैल्यूज अपने मन से पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगी। देखिए x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो ये वाला पार्ट 0, तो y कितना आ जाएगा 3। x क्या लिया 0, y कितना आया 3। अगर मैं x की जगह 1 ले लेता हूं, x की जगह 1, तो 2 बन जा 2, तो इक्वेशन बन जाएगा 2+y, 2 को इधर ले आओ तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x जब मैंने 1 लिया तो y भी कितना आया 1। तो देखिए इक्वेशन बहुत ही इजी सा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -1, -2, ये O पॉइंट है, 0 और 3 तो ये हो गया, और 1, 1, तो 1, 1 ये हो गया। इन दोनों को मैच करा दीजिए, ये हमारा इक्वेशन है 3=2x+y। यही हमारा क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स विच हैव सॉल्यूशन 2, 4। ऐसी दो लाइन्स के इक्वेशन बताओ जिनका आंसर या सॉल्यूशन क्या हो, x=2 और y=4। ये सॉल्यूशन हो, देखिए हम ले लेते हैं x=7y। आप जब x की जगह, सॉरी उल्टा लेना पड़ेगा, y=7x, इससे क्या होगा, देखो x की जगह 2 पुट करो तो 7 × 2, y कितना आ गया 14। यही आंसर है ना इसके भी, 2, 14। एक और इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 2y=14x, या फिर मैं और कोई लेना चाहूं तो x+y=16। रख के देखो x की जगह 2, y की जगह 14, आ जाएगा 16। तो इसके भी सॉल्यूशन है। तो ये दो इक्वेशंस ऐसे हैं, दो लाइंस ऐसी ये हैं जिनके सॉल्यूशंस क्या हैं, 2 और 14 है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी। एक सिटी है वहां पे टैक्सी का जो किराया है वो किस तरीके से है, ये हम बात करते हैं। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो है 8 रुपीज। अभी मैं वही लिख रहा हूं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज। ठीक है भाई, आगे फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अगर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट का मतलब है
अभी मैं बता देता हूं, 5 रुपी पर किलोमीटर, 4 नेफ्ट। देखिए पहली बात, अगर किसी को जैसे 5 किलोमीटर जाना है, 1 2 3 4 5, मुझे जाना है यहां से और इस पॉइंट, मतलब 5 किलोमीटर जाना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया लगेगा? 8 रुपीज। इसके बाद फॉर नेक्स्ट सबसिक्वेंट डिस्टेंस, आगे आप जितनी भी डिस्टेंस कवर करोगे उसके लिए 5 रुपी पर किलोमीटर, मतलब इसका भी 5 रुपए, फिर इसका भी 5 रुपी, फिर अगले किलोमीटर का 5, फिर अगले का 5, मतलब कितना भी चल लो आगे 5-5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होता जाएगा। मतलब फर्स्ट किलोमीटर का तो फिक्स है 8 रुपए। इसके बाद मैं चलाऊं कितना भाई, 1 किलोमीटर के बाद 1 2 3 4, तो 4 × 5, जितना भी किलोमीटर चलो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम बात करेंगे आगे, ये बात समझ में आ गई सबसिक्वेंट का मतलब क्या होता है। अब बोल रहा है वो, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स, डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई, एक्स किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स किलोमीटर, आपको बताना है टोटल फेयर लेना है वाई, टोटल फेयर कितना लेना है वाई, आपको इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्या आप इसको इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था 5 किलोमीटर का, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और इसकी डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए मैंने कितने रुपए दिए, 8 रुपए, और टोटल कितना है भाई एक्स, उसमें से मैं कितना चल लिया हूं 1 किलोमीटर में चल चुका हूं, तो ये वाला कितना बचा एक्स माइनस 1 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस में कवर कर चुका हूं, बचा कितना एक्स माइनस, एक को माइनस कर दू जैसे टोटल 10 होता और एक में चल लिया तो 9 बचे, ऐसे ही एक्स था 1 किलोमीटर में चल लिया तो बचा कितना एक्स माइनस 1। अच्छा 1 किलोमीटर का फेयर तो कितना है 8 रुपी, लेकिन इस डिस्टेंस का फेयर कितने रुपए के हिसाब से लगेगा, 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, पहले किलोमीटर का फेयर 8 रुपी प्लस आगे कितने बचे एक्स माइनस 1 किलोमीटर, और इनका किराया किस हिसाब से है 5 रुपए के हिसाब से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल किराया होना चाहिए हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन में टोटल किराया कितना है वाई, तो यही हमारा इक्वेशन होगा 8 + 5 × x - 5 × 1 किया तो 5 = y। अब देखो 8 में से 5 गए तो 3, 5x + 3 = y, आप चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, आप चाहो तो y को उधर ले आओ, तो इक्वेशन बन जाएगा 5x - y + 3 = 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd जो था उसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें 2 पार्ट है, मैं एक करवा रहा हूं, आपको बताना है ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। तो सिंपल सी बात है, आप इन 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, आप पहले ये वाला लो -1 और 1, इसको रख के देखो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है पहले -1 और वाई की रखनी है 1, देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है, एक्स रखो -1 वाई रखा 1, ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। यहां रख के देखते हैं -1 + 1 क्या आएगा 0, तो ये सही है, यहां पे बैठ रहा है सही हमारा। यहां रखते हैं y की जगह 1, x की जगह -1, तो भी इक्वल नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं है, और यहां रखोगे तो 2 + 3 × क्या करना है 1, 7 × -1, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 तो हो गया 5, और यहां आया -7, तो ये भी इक्वल नहीं है, किसको सेटिस्फाई कर रहा था इस इक्वेशन को, तो हमारा आंसर होगा
सेकेंड, ठीक है भाई। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व कर लेना या मैं ही कर देता हूं। मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, सिर्फ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए इक्वेशन तो क्या क्या दिए हैं, y इक्वल्स टू x प्लस टू, y इक्वल्स टू x माइनस टू, y इक्वल्स टू माइनस x प्लस टू एंड x प्लस टू y इक्वल्स टू सिक्स। और देखिए ग्राफ में आप जब देखोगे तो तीन पॉइंट कौन कौन से हैं, माइनस वन थ्री, 0.2 और 2.0। इनमें से किसी भी पॉइंट के लिए चेक कर लो, हम इसके लिए कर लेते हैं बीच वाले के लिए। x की जगह क्या रखना है, 0 और y की जगह 2, तो रख के देखो 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2, तो ये तो सही हो गया। यहां रखो 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 2, ये गलत होएगा क्योंकि 2 और माइनस 2 कभी इक्वल नहीं होते। यहां 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2, तो इसमें भी सही बैठ रहा है। अच्छा इसमें देखे तो x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, तो ये भी नहीं बैठता। तो ये दो पार्ट्स में सही बैठा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड। अच्छा तो एक से तो दो आंसर आ नहीं सकते। अब हम इसमें देखते हैं 2 और 0 वाले में, अब की बार x की जगह क्या रखो 2, तो x की जगह आप रखो 2 और y की जगह क्या आना चाहिए 0। आया क्या 4 आया है, तो ये नहीं होगा, मतलब फर्स्ट तो नहीं है। इसमें रख के देखते हैं x की जगह क्या रखना है 2 और y की जगह 0, तो देखो 0 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2, इधर भी 0 और इधर भी 0, तो कौन सा सही होगा, इसका थर्ड इक्वेशन हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन।